नमस्कार, मैं पूजा भंडारी आप सभी का मोटिवेटेड एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी आज ही के दिन हुई कुछ खास घटनाओं के बारे में जो इतिहास में घटित हुई थी, तो आइए उन्हें देख लेते हैं। आज ही के दिन 1872 में क्रिकेटर रंजीत सिंह, जिसके नाम पर रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, उनका जन्म आज ही हुआ था। वे एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी और बल्लेबाज थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका अदा की थी। आज ही के दिन 1846 में एलियास होवे को सिलाई मशीन के लिए पैटेंट दिया गया था। आज ही के दिन 1858 में जॉर्ज मैरी सॉरेल ने 55 भानुमति शुद्र ग्रहों की खोज की थी। आज ही के दिन 1898 में ऑस्ट्रिया की महारानी एलिजाबेथ की हत्या लुइगी लुचेनी ने की थी। महारानी एलिजाबेथ राजा जॉर्ज षष्ठम की पत्नी और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और राजकुमारी मार्गेट की मां थी। आज ही के दिन 1915 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्यकारी दार्शनिक क्रांतिकारी बाघा जतिन का निधन हुआ था। वे युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन थी। आज ही के दिन 1887 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के खोत नामक स्थान पर हुआ था। 1966 में भारतीय संसद ने आज ही के दिन पंजाब और हरियाणा राज्य के गठन को मान्यता प्रदान की थी। आज ही के दिन 1990 में सोवियत संघ में पहला पिज्जा हट खुला था। आज ही के दिन 2002 में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। आज ही के दिन 1923 में 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम फिल्म हस्तियों में से एक सुकुमार राय का निधन हुआ था। सुकुमार राय बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं चित्रकार थे। ये बच्चों के लिए हास्य कविता एवं कहानियां लिखते थे। सुकुमार राय अपने समय के प्रमुख लेखक, पत्रकार एवं चित्रकार थे। सुकुमार राय गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। आज ही के दिन साइमन बोलीवर 1823 में पेरू के राष्ट्रपति बने थे। आज ही के दिन पर्शिया ने 1785 में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन हवाई द्वीप में 1847 को पहला थिएटर खुला था। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा में 1996 को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 3 के मुकाबले 158 मतों से स्वीकृत किया गया था। भारत सहित 3 देशों द्वारा संधि का विरोध किया गया था। आज ही के दिन 1935 में दून विद्यालय की स्थापना सतीश संजन दास द्वारा की गई थी, जो भारत के जाने माने निजी विद्यालयों में से एक है। ऐसी वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए मेरे चैनल मोटिवेटेड एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, जिससे ऐसी वीडियो रोज़ाना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपसे मेरी पिछली वीडियोस भी छूट गई हैं तो आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ। धन्यवाद।